नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए मसाला गोभी की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलो चलते हैं मसाला गोभी बनाने। मसाला गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोभी का फूल ले लिया और इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लिया है। तो गोभी हमने काट के तैयार कर ली है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर रख दिए मैंने कढ़ाई। अब कढ़ाई में डाल देते हैं हम ऑयल। तो यहाँ पे 3 से 4 चम्मच हम ऑयल लेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि इसे सिर्फ ऑयल में ही बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल हो गया हमारा गरम, तो उसमें डाल देते हैं जीरा। तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरे का यूज़ करूँगी। जीरा भी हमारा चटक गया है, तो इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ करूँगी। हल्दी को भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो हल्दी को हम अच्छे से भून लेते हैं। हल्दी हमारी अच्छे से भून गई है, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करूँगी। इससे कलर अच्छा आता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और कश्मीरी लाल मिर्च को भी हम भून लेंगे अच्छे से, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर जो गोभी काट के रखी थी उसे डाल देते हैं। तो गोभी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो गोभी को भी मिला लेते हैं। और इसमें से हम थोड़ा सा, इसमें 3 से 4 चम्मच हम इसमें पानी यूज़ करेंगे, क्योंकि मसाला हमारा जले ना, तो इसलिए हम 3 से 4 चम्मच में पानी का यूज़ कर लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच ही पानी डालना है। और पानी डाल के हम अच्छे से मिला लेते हैं। पानी का यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि मसाला जले ना। ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, 3 से 4 चम्मच पानी का ही यूज़ करना है सिर्फ। और हमने अच्छे से मिला दिया। इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर 1/2 चम्मच और नमक पीस के अनुसार। दोनों सामग्री को डालने का हम अच्छे से मिला लेंगे। दोनों मसाले डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी। तो अब इसे हम थोड़ा सा मिला के तैयार कर लेते हैं। इसे हम पकाएंगे ढक के। तो इसे ढक देते हैं। और चेक कर ली है मैंने रेसिपी, इसे हम 4 से 5 मिनट हो गए हैं। 4 से 5 मिनट चेक किए मैंने, तो ये काफ़ी हद तक पक गई है। एक बार चेक कर लेती हूँ इसे मैं, तो अभी कच्ची है थोड़ी सी। तो इसे फिर से ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट चेक करेंगे। तो मैं फिर से ढकती है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। और यहाँ पर लग रही है गोभी मेरी हो गई है। तो सब्ज़ी पक बन के हो गई तैयार। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डाल देते हैं। और मैं डालूँगी इसमें हरा धनिया काफ़ी सारा। और इसमें डालूँगी 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। और इन सारी सामग्री को अच्छे से हम मिला लेते हैं सब्ज़ी के साथ। सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया ये आप देख ही सकते हो। हमारी सब्ज़ी बनके हो गई तैयार। देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर सारी सब हरी मिर्च और वगैरह को मिला लिया है। चलते हैं सर्व करने। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ी को सर्व कर लिया है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।